सेनेटर बनने की दौड़, सेनेट की खाली नशिस्तों पर आज ज़मीनी इलेक्शन। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के इलियास मेहरबान में मुकाबला होगा। सिंध असम्बली में सेनेट की दो नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों पर भी ज़मीनी इलेक्शन होगा। $1.1 अरब की किस्त का हसूल। IMF से मुजाकरात का आज से आगाज, 18 मार्च तक जारी रहेंगे। वजारत खजाना, तवानाई और FBR से मुजाकरात होंगे। स्टेट बैंक, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीजन से भी मुजाकरात होंगे। स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत अगली किस्त पर फैसला होगा। मंजूरी पर $1.1 अरब की किस्त जारी होगी। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान सनअती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। हमें जदीद चीनी मॉडल की तकलीद करनी चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म से चीनी सफीर भी मिले। शहबाज शरीफ ने कहा मौजूदा हुकूमत CPEC मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए अनथक मेहनत करेगी। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में कई मुनाफा बख्श मौके मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे चीन की दावत कबूल कर ली। हुकूमत का मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने का मिशन। IMF से तवील और बड़ा प्रोग्राम लेने का फैसला। मुजाकरात का खाका तैयार कर लिया। परचून और थोक दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। रियल स्टेट और ज़रई आमदन पर भी टैक्स का फार्मूला बना लिया गया। निजकारी के एजेंडे पर भी मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुकाम की ब्रीफिंग, टैक्स अहदाफ और वसूलियों की शरह पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वजारत का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना और आलमी बैंक का मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए तआवुन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने कहा तवानाई और FBR में इस्लाहात से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इस्लाहात और मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की कंट्री डायरेक्टर से तआवुन की दरख्वास्त। एनर्जी सेक्टर और FBR में इस्लाहात के लिए फाइनेंसिंग फराहम करने की अपील की। पर जमी बर्फ पिघल गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। वज़ीर आला ने सूबे के इंतजामी उमूर से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मुआशी सूरतेहाल को मद्देनजर रखते हुए जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठ कर वसाइल का हल निकालना होगा। अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। वज़ीर आला ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। वो मुल्क की तरक्की में मस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात मुस्बत रही। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए भरपूर तआवुन की यकीन दहानी कराई। सूबे के वाजिबात अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से बातचीत, कहा चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का मसला जल्द हल होगा। मुल्क की तरक्की में सूबे किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल बोले वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई, किसी से ज्यादती नहीं होगी। IMF मुज़ाकरात के बाद वजारत खजाना वाजिबात का मसला हल करेगी। कमेटी बनाई जाएगी जो विफाक और सूबे के मामला देखेगी। सब सियासत अपनी अपनी करेंगे। रियासती सांझी है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP की मुलाकात दुरुस्त सम की जानिब अहम कदम करार। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के खेल में रियासत डूब रही है। ट्वीट में लिखा नफरत अमीर खेल को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तफरीक तकरीबन दफन कर चुकी है। वानी PTI ने हुसूल इख्तदार के लिए नाजायज रास्ता अपनाया, खुद भी फंसे और सियासी बरादरी को भी फंसा दिया। बहरहाल रियासती मामलात पर मुखालिफ सियासतदानों का मुकालमा जारी रहना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल समेत फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला दलाइल देंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने कहा मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त तारीख से पहले नहीं दी गई। आइन नशस्तें खाली छोड़ने की इजाज़त नहीं देता। कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात से रोकने पर एहतजाज। अरकान को पार्लियामेंट में दाखिले से रोकने के लिए गेट बंद करने की भी मजम्मत।
उमर अयूब ने कहा इंस्पेक्टर ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया, मुतलका अफसरों को बरतरफ किया जाए। अदालती अहकामात मौजूद होने के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी गई। पुलिस डंडा बरसाने में बहुत तेज है, लतीफ खोसा बोले 10 मार्च को पूरे मुल्क को जेल बना दिया गया। कराची में मुहाफिजी अवाम को लूटने लगे, ताजिर से मुबैना डकैती का इल्जाम, SHO समेत 4 अहलकार जेर हिरासत। SHO जमान टाउन राव रफीक को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस जिला के मुताबिक मुलजिमों ने 4 रोज कबल ताजिर से 1,18,00,000 लूटे। डकैती की वारदात सोहराब बोर्ड के इलाके में की गई, तहकीकात में SHO और पुलिस पार्टी मुलविस पाए गए। कराची में बहन भाई की पुरस्कार गुमशुदगी के मामले का ड्रॉप सीन, अयार और अनाबिया वापस आ गए। वालद के मुताबिक बच्चे हैदरी मार्केट से मिले, नामालूम नंबर से कॉल आई, बच्चे गुज़श्ता रात अचानक लापता हुए, अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। वालदेन ने बच्चों की बाजियाबी के लिए सोशल मीडिया पर भी अपील कर दी। वालदेन की 8 साल कबल अलहदगी हो चुकी, बच्चे वालदा के साथ रहते थे। पुलिस ने बच्चों को हिफाजती तहवील में ले लिया। बच्चों ने बताया घर वालों से नाराजगी की वजह से खुद गए थे, परेशानी का पता चला तो वापस आ गए। सिंध रेंजर्स ने अगवा बराए तावान की वारदात को नाकाम बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक कम उम्र बहन भाई को तावान के लिए अगवा किया गया। बच्चों की वालिदा को बैरून मुल्क से फोन कॉल पर 10,00,000 रुपए तावान मांगा गया। रेंजर्स और पुलिस ने जदीद तकनीकी जराए इस्तेमाल करते हुए बच्चों का सुराग लगाया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। अशिया जरूरिया के बढ़ गए दाम, प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम, बढ़ती महंगाई से परेशान आवाम। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में जायद कीमतें वसूल करने की शिकायत, गुजरावाला में भी नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। लाहौर के मॉडल बाजारों में प्याज 187 और ओपन मार्केट में 300 रुपये किलो में फरोख। ईरानी खजूर मॉडल बाजार में 375 और ओपन मार्केट में 600 रुपये फी किलो दस्तियाब। लहसुन मॉडल बाजार में 375 और आम बाजार में 600 रुपये फी किलो बिकने लगा। बाजार में फल भी मजीद महंगे हो गए। कौमी असेंबली का इजलास, जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए, उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। कौमी असेंबली का ऐवान 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात के लिए मखसूस करने की करारदाद भी मंजूर। इजलास में रमेश कुमार और सोफिया सईद शाह ने हल्फ उठाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। KP और बलूचिस्तान असम्बली के 2-2 और पंजाब की 12 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो को आसिफ जरदारी की खाली नशस्त, NA-207 से इलेक्शन लड़ाने का फैसला। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर विद मालिक में गुफ्तगू। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, मरदान, कोहाट और दीगर अजला में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 130 किलोमीटर और मरकज हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का PIC का दौरा, अमराज कल्ब के मरीजों ने MS डॉक्टर मोहसिन शाह के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। PIC में अदवियात महंगी दी जाती हैं, मरीजों की शिकायत, कहा अस्पताल में ऑपरेशन के लिए कई माह इंतजार कराया जाता है। MS ने वजाहत दी अदवियात महंगी ड्रैब ने की हैं, हमारा कसूर नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा ड्रैब भी तो हमारे ही कंट्रोल में आता है। सिंध काबीना का पहला इजलास, 22 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी। पैकेज के तहत 44 लाख खानदानों को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम की खरीदारी की कीमत 4,000 रुपए फीमन होगी। इजलास में अमन ओमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, वजीर आला मुराद अली शाह की स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल करने की हिदायत।
T20 वर्ल्ड कप जीतने पर डेफ टीम को कौम की मुबारकबाद, चैंपियंस वापस वतन पहुंच गए। अलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर टीम का इस्तकबाल, पीसीबी का कोई ओहदेदार ना पहुंच सका। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रही, फाइनल में श्रीलंका को 88 रन से शिकस्त दी। हेड कोच उमर फयाज का कहना है कि वर्ल्ड कप जीतकर आवाम को ईद का तोहफा दिया। सदर पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की भी दरख्वास्त।